टेबल टैग, तो यहाँ पे जो हम लोग टेबल टैग यहाँ पे यूज़ करने वाले या फिर टेबल एलिमेंट यूज़ करने वाले, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई रो बाय कॉलम में हम लोग डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं अपने एचटीएमएल पेज में। एचटीएमएल टेबल टैग इज यूज टू डिस्प्ले डेटा इन टेबुलर फॉर्म, मीन्स रो बाय कॉलम, देयर कैन बी मैनी कॉलम्स इन ए रो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जितने रो हम लोग बनाना चाहे रो बना सकते हैं, जितने कॉलम्स हम लोग बनाना चाहे बना सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से टैग्स यूज किए जाते हैं इस टेबल टैग में, वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। वी कैन क्रिएट ए टेबल टू डिस्प्ले डेटा इन टेबुलर फॉर्म यूजिंग टेबल एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे टेबल टैग यहाँ पे लगाना होगा, और टेबल टैग के अंदर में है यहाँ पे हम लोग दो या तीन टैग यूज करते हैं। सबसे पहला टैग होता है TR टैग, इसको हम लोग बोलते हैं टेबल रो, इसको हम लोग बोलते हैं टेबल रो, जिसके थ्रू हम लोग रो क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक टैग यूज करते हैं TD टैग, जिसके थ्रू हम लोग टेबल डेटा हम लोग बना सकते हैं, मतलब कॉलम्स बना सकते हैं। फिर उसके बाद एक एलिमेंट और यहाँ पे होता है TH। TH मतलब क्या होगा? टेबल हेडिंग्स। ठीक है, कोई भी टेबल का हेडिंग होता है, वो अगर हेडिंग हम लोग को बनाना है तो हम लोग TH एलिमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टेबल कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले हम लोग को टेबल टैग लेना है, उसके अंदर हम लोग TR या TD यूज करते हैं या फिर TH यूज करते हैं। ठीक है, अब वो कैसे बनाते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे ईच टेबल टेबल रो इज डिफाइंड बाई TR टैग, टेबल हेडर इज डिफाइंड बाई TH टैग, एंड टेबल डेटा इज डिफाइंड बाई TD टैग। तो टेबल रो के लिए यहाँ पे TR टैग यूज होगा, टेबल हेडर के लिए TH टैग यूज होगा, और टेबल डेटा के लिए TD टैग होगा। तो यहाँ पे दो ही चीज समझने की है, अगर हम लोग को रो बनाना है तो TR टैग यूज करेंगे, अगर हम लोग को कॉलम बनाना है तो TD टैग यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सा हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है टेबल टैग, इट डिफाइन्स ए टेबल। टेबल टैग लगाने से क्या होगा कि एक टेबल डिफाइन करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे TR, इट डिफाइन्स ए रो इन ए टेबल। एक रो डिफाइन करने के लिए, मतलब एक रो बनाने के लिए हम लोग को TR टैग का यूज करना पड़ेगा। फिर आता है TH, इट डिफाइन्स ए हेडर सेल इन ए टेबल। हेडर सेल मतलब किसी भी कॉलम का एक हेडिंग होता है, जैसे नेम है, क्लास है, रोल नंबर है, इस टाइप से जो भी हेडिंग्स होते हैं उसके लिए यहाँ पे हम लोग TH यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है TD, इट डिफाइंस ए सेल इन ए टेबल। एक रो होगा और रोज के अंदर सेल बनाए जाते हैं, सेल मतलब कॉलम्स बनाए जाते हैं, तो कॉलम बनाने के लिए जनरली हम लोग TD टैग का यूज करते हैं। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे हम लोग इतना ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और भी इसमें जो टैग्स होते हैं जनरली हमें उस उनकी जरूरत पड़ती नहीं है, जैसे कॉल ग्रुप, कॉल्स, ठीक है, टी बॉडी, टी हेड, इस प्रकार से इसकी कोई जरूरत पड़ती नहीं है, जनरली हम लोग इसको यूज नहीं करते। ठीक है, इस प्रकार के जनरली हम लोग टैग यूज करते नहीं है, हम लोग यहाँ पे तीन या चार ही टैग यहाँ पे यूज करेंगे, टेबल, TR, TH और TD। तो सेव कर दिया है, और यहाँ पे आके हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे हम लोग का सेव हुआ है टेबल, ये रहा। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे ओपन कर दिया, अब ये ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टाइटल में टेबल टैग। ठीक है, तो हमें क्या करना था, एक टेबल बनाना था। टेबल में हम लोग क्या बना रहे थे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टेबल टैग। ठीक है, टेबल टैग हम लोग लिख लेंगे और टेबल को क्लोज कर लेंगे। टेबल को मैंने क्लोज कर दिया। फिर इस टेबल के अंदर में हम लोग को बनाना था पांच रो, पांच रो हम लोग को बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले TR लिखूंगा और TR को क्लोज कर लूंगा। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ध्यान से समझना कैसे लिखते हैं। TR लिखने से एक रो बन गया, क्या बन गया, रो बन गया। ठीक
अब इस रो के अंदर तीन कॉलम थे, ठीक है, कितने कॉलम थे? तीन कॉलम थे। तो हम लोग तीन कॉलम के लिए, सबसे पहले कॉलम के लिए हम लोग ले लेंगे टी एच, ठीक है, टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग हम लोग दे लेंगे और टेबल हेडिंग को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो तीन टेबल हेडिंग थे हमारे पास, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको तीन बार पेस्ट कर दूंगा। तो सबसे पहला टेबल हेडिंग में क्या था? फर्स्ट नेम, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लास्ट नेम, और थर्ड वाले में हम लोग लिख लेंगे मार्क्स, ऐसा हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया? एक टेबल बना है, टेबल के अंदर फर्स्ट रो बना है, फर्स्ट रो के अंदर यहाँ पे तीन हेडर्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव कर दिया हूँ इसको और यहाँ आके रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये हम लोग को यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग को तीन हेडिंग यहाँ पे मिल गया है, तीन हेडिंग हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है। अब सेकंड रो हम लोग को बनाना है। सेकंड रो को कैसे बनाएंगे? सेम वैसे ही हम लोग यूज करेंगे टी आर, ठीक है। सेकंड रो में हम लोग को डेटा देना है, तो यहाँ पे यूज करेंगे टी आर के अंदर टी डी टैग, ठीक है। तो हम लोग को तीन टी डी देना है, टी डी टेबल डेटा। फर्स्ट कॉलम हमने यहाँ पे बनाया टी डी से, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं बनाऊंगा इसमें सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो तीन टी डी है, मतलब तीन कॉलम मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। तीन कॉलम मैंने यहाँ पे बना दिया, और मुझे और कितने चाहिए थे? रो, चार रो चाहिए। तो मैं इसको कॉपी करूँगा पूरा का पूरा, पेस्ट करूँगा, ठीक है। थर्ड रो बन गया, फोर्थ रो बन गया और फिफ्थ रो बन गया, ठीक है। तो ये पहला रो था, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, ये चौथा रो है, ये पांचवा रो है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है कॉलम्स, अगर हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग को ऐसा भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, थोड़े थोड़े गैप में भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, ताकि हम लोग अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसा भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, सेकंड रो का, सॉरी, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो सभी में यहाँ पे तीन कॉलम यहाँ पे हमने बना दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट नेम देना है। फर्स्ट नेम हम लोग यहाँ पे क्या क्या लिए थे वह देख लेते हैं, सोनू जायसवाल और 60, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सोनू, और यहाँ लास्ट नेम में लिख लेंगे जायसवाल, और हम लोग यहाँ पे इस टी डी के अंदर लिख लेंगे 60, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो हम लोग को कुछ इस प्रकार का डेटा यहाँ पे देखने को मिले। तो फर्स्ट नेम में आ रहा है सोनू, लास्ट नेम में आ रहा है जयसवाल, और मार्क्स में आ रहा है 60। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, फिर उससे जेम्स विलियम, सर आवाज नहीं आ रही। सर वॉइस इज नॉट कमिंग। यहाँ पे हमने क्या किया कि टी डी ले लिया, और टी डी सॉरी टी आर हमने लिया है फर्स्ट रो, ठीक है। उसमें हमने तीन कॉलम बना लिए हैं, ठीक है। ये टी डी, ये टी डी, मतलब फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में हमने लिख दिया सोनू, सेकंड कॉलम में लिख दिया जायसवाल, और थर्ड कॉलम में लिख दिया 60। फिर उसके बाद सेकेंड रो हमने यहाँ पे, थर्ड रो बनाया यहाँ पे, और फर्स्ट कॉलम में लिखा जेम्स, सेकेंड कॉलम में लिखा विलियम, थर्ड कॉलम में लिखा 80, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे फोर्थ रो में, और यहाँ लिखते हैं स्वाति, और यहाँ पे लिख देते हैं सिरोनी, और यहाँ पे लिखते हैं 85, ठीक है। ये हम लोग को यहाँ डाल दिए। फिर उसके बाद यहाँ जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है, फिर उससे लास्ट किसका था, चेतना सिंह 72। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इस टीडी के अंदर चेतना, और इस टीडी के अंदर लिख लेंगे सिंह, और यहाँ पे लिख देंगे 72। ठीक है, तो इस प्रकार का यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, सारा डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये एक टेबल यहाँ पे बन गया है, ये टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब ये टेबल जैसा दिख नहीं रहा है, तो टेबल जैसा नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि इसमें बॉर्डर्स नहीं है। हम लोग यहाँ पे लगाएंगे बॉर्डर, ठीक है, इस टेबल पे हम लोग लगा रहे हैं, यहाँ पे टेबल टैग है, उसमें हम लोग एट्रीब्यूट एक ऐड करेंगे, बॉर्डर इक्वल टू डबल कोट के अंदर दे दूंगा 1। ठीक है, बॉर्डर हम लोग को यहाँ पे मिल जाए। तो अब ये दिख रहा है टेबल, तो इसमें सबसे पहले हम लोग हेडिंग यूज किए, टेबल हेडिंग, तीन टेबल हेडिंग हम लोग यहाँ पे यूज किए। इसको भी मैं इस प्रकार से कर लेता हूँ, तो ये ज्यादा अच्छे से दिख रहा है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मार्क्स। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मार्क्स, थोड़ा सा बोल्ड किया हुआ है। जहाँ पे भी हम लोग हेडिंग्स के लिए इस टाइप का, फर्स्ट कॉलम में हम लोग हेडिंग यूज करते हैं जनरली, सॉरी फर्स्ट रो में हम लोग यूज करते हैं, तो फर्स्ट रो में जब भी हम लोग TH यूज करेंगे टेबल हेडिंग, तो यहाँ पे हम लोग को जो भी टेक्स्ट होगा वो बोल्ड में दिखेगा बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे अलग से बोल्ड करने की हम लोग को जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एक टेबल बना सकते हैं।